हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू स्वागत करती हूँ आप सभी का माय किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ घर पर खोआ। ये दूध है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 3 kg दूध ली। आप चाहे तो जितना चाहे उतना दूध ले सकते हैं। अब मैं इसका खोआ बनाने वाली हूँ घर पर। तो इसे गैस पे चढ़ा देंगे और दूध को तब तक सुखाएंगे जब तक दूध में एक बूंद भी पानी ना रह जाए, और दूध को बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि जो तली में है वो दूध सटे नहीं। और जब भी खोआ बनाने के लिए दूध लेंगे फ्रेंड्स, तो हमेशा मोटी तली का ही बर्तन लेंगे। दूध को सुखाते हुए भी आधा घंटा हो चुका है। इस तरह से बीच बीच में दूध को चलाते रहेंगे। दूध को सुखाते हुए 1 घंटा हो चुका है। 3 kg दूध था, मात्र अब 1 kg दूध बचा हुआ है। 2 kg दूध सूख चुका है, इसमें अभी आधा घंटा का टाइम और लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, जब इस स्टेज पे दूध आ जाएगा तो इसे छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं, इसे चलाते रहेंगे ताकि दूध तली पे चिपके नहीं। अगर यहाँ पे दूध छोड़ देंगे, चलाना नहीं चलाएंगे, अगर छोड़ देंगे तो वही तली में चिपकने का डर रहता है। दूध में बबल्स आने लगा है। अब इसके छींटे भी कुछ देर में 5 मिनट में खूब जोर जोर से उठ के पड़ने लगेगा, तो अपना शरीर भी बचाना है। अभी बिल्कुल रबड़ी जैसा दिख रहा है ये देखिए, बिल्कुल भाप से धुआं धुआं हो जा रहा है, एकदम रबड़ी वाला लग रहा है, बिल्कुल रबड़ी है। अब काफ़ी इसके तेज जो बबल से काफ़ी तेज बन रहे हैं, अब इसके छींटे भी उड़ गए। इसको चलाते रहेंगे फ्रेंड्स। आप चाहें तो इसमें चीनी भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं खोआ बना रही हूँ तो ऐसे ही बना रही हूँ, इसमें चीनी नहीं डाल रही हूँ। क्योंकि अगर कुछ बनाऊँगी, कुछ भी आइटम बना रही हूँ खाना का या फिर कुछ, तो उसमें चीनी पड़ेगा ही, तो इसीलिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ। आप चाहें तो इसमें अपने स्वाद अनुसार चीनी डाल सकते हैं। बबल्स बनना ख़त्म हो गया है। पानी था दूध में, जब पानी रहता है तो बबल्स बहुत ही उठता है। अब पानी बिल्कुल सूख चुका है, ये देखिए, तो बबल्स ख़त्म हो चुका है। 5 से 10 मिनट और इसे पकाएंगे। एकदम बढ़िया सा खोआ बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना बढ़िया खोआ बनकर तैयार हो गया है। गैस को कर दे रही हूँ ऑफ। ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया, यही पहचान है एकदम परफेक्ट खोआ का, कि ये देखिए बर्तन में चिपक नहीं रहा है, कितना बढ़िया से छोड़ दे रहा है इजीली। अगर आपको मेरी ये खोआ बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।